आज गुरु पूर्णिमा का पर्व रेणुका जी तीर्थ में बड़ी श्रद्धा भाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां पवित्र रेणुका जी झील में गुरु पूर्णिमा पर जहां स्नान की परंपरा है, तो वहीं यहां उदासीन अखाड़ा निर्वाण आश्रम में गुरु पूजा अखंड रामायण पाठ का विशेष तौर पर आयोजन किया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु माता रेणुका जी और भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में शीश नवाने पहुँच रहे हैं। रेणुका जी स्थित उदासीन अखाड़ा निर्वाण आश्रम के प्रवक्ता मोहन चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर आश्रम में विशेष गुरु पूजा रामायण अखंड पाठ के आयोजन का समापन हुआ है, जो पिछले 3 दिन से निरंतर जारी था। आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता रेणुका जी और भगवान परशुराम मंदिर में नतमस्तक होने के पश्चात यहाँ स्थित आश्रम में साधु संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा के पुण्य पर्व में निर्वाण आश्रम श्री रेणुका जी में व्यास पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये रेणुका जी तीर्थ है। रेणुका जी तीर्थ में आदि अनादि काल से साधु संतों के द्वारा अपने गुरुओं की, अपने ज्ञान दाताओं की पूजा अर्चना होती आ रही है। उसी कड़ी में जो एक विशेष दिवस व्यास पूजा का, आज व्यास भगवान का जन्म भी माना जाता है। आज व्यास भगवान ने सारे संसार में जो वेद शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा अपने ज्ञान को विस्तृत करके इस संसार में फैलाया, उसको और संसार में सबको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संदेश भी आज के दिन में जाता है। तो आज व्यास पूजा का बड़ा महत्व है और इसी महत्व के लिए ये आचार्य, साधु संत, समाज के सुधारक समय समय पर अपने गुरुओं के माध्यम से जो विशेष ज्ञान मानव कल्याण के लिए एकत्र करते हैं, संजोते हैं, उसको समाज में प्रसारित करते हैं। आज का दिन अपने गुरुओं की, अपने ज्ञान की पूजा करने का, और सबसे विशेष बात आज के दिन ये आती है कि समाज में हमारे को जीवन कैसे जीना चाहिए, उस जीवन को जीने के लिए जो एक विशेष सूचना है, जो भी हमने अपने संस्कारों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, अपने अध्यापकों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया है, उसको हम अपने जीते जी अपने जीवन काल में ये धरोहर दूसरे समाज में मानव को सौंप के जाएं, ये विशेष संदेश आज का दिन है। आप समस्त को बहुत बधाई। आज जो हमारे यहाँ पर आश्रम का क्रियाकलाप रहता है, यहाँ पर हमारे गुरुजी राम जी के परम उपासक थे, 3 दिन से अखंड पाठ रामायण यहाँ पर चला है, 3 पाठ रामायण उसका भोग यहाँ पर पड़ा। और विशेष बात होती है महात्माओं के इस संप्रदाय में कि हमारी ध्वजा होती है, झंडा होता है, उसकी विशेष पूजा होती है और उस झंडे को नवीन वस्त्र धारण करा करके ध्वजा साहब की विशेष पूजा होती है और उसके उपरांत ये गुरु महाराज के चरणों में जो भी भाव पुष्प अर्पित करेंगे, अपने जो 5 सनक सनंदन सनातन आदि पुरुष परमात्मा को 5 गुरुओं के रूप में ध्यान करके उसकी पूजा करेंगे, उसके बाद भंडार भोजन शुरू हो जाएगा। यही विशेष क्रियाकलाप हमारे आश्रम का हमेशा से रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल